तो ये थोड़ा यही होता है, यही होता है। मैंने बोला था गाइस आपको धमाका होगा। अगर आप एक परफेक्ट केक बनाना चाहते हैं क्वारंटाइन पीरियड में फॉर बर्थडेज एंड एनिवर्सरी विद अ सीक्रेट इंग्रेडिएंट एंड एवरीथिंग, तो ये वो वीडियो नहीं है। प्लीज़ किसी कुकिंग चैनल पे जाके देखिए। हम यहाँ पे सिर्फ पहली बार केक बना रहे हैं, तो धमाकेदार रेसिपी का तो पता नहीं, पर धमाके शायद जरूर हो सकते हैं इस वीडियो में। सो अगर आपको उसके मजे लेने हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, मजा आएगा। हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर अनदर व्लॉग। ये है हमारा किचन जिसको हम सॉलिड लेवल पे बर्बाद करने वाले हैं केक बनाने के थ्रू। सो मैं आज पहली बार केक बनाने जा रही हूँ करण के साथ। और केक बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीजें आप अपनी मॉम से चुरा के लेके आ रहे हैं वो कुकर में घुस रहेगी नहीं। क्योंकि अगर ये कुकर में नहीं जाएगा तो कुछ नहीं बनेगा आज। तो हमें पता लग गया है केक कुकर के लिए बहुत बड़ा है, तो अब हम अल्टरनेट ढूंढते हैं पतीला। तो अंजलि ये तो बता, हम कौन सा केक बनाने जा रहे हैं आज? हम सूजी का केक बनाने जा रहे हैं, जो एक्चुअली मैंने एक कुकिंग चैनल से देखा था। अब देख रहे हो कि बनता है कि नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम केक बना रही हूँ आज। हाँ, वो तो मैंने वार्निंग दे दी है सबको आगे। पहले हम एक कटोरी में सूजी ले लेते हैं। मैं थोड़ा कम केक बनाऊंगी बिकॉज मैं नहीं चाहती कि केक अगर बाय चांस खराब निकले, जो मुझे लग रहा है 90% खराब निकल सकता है, तो वेस्ट जाए। इससे बेटर है आप कम लीजिए जब आप फर्स्ट टाइम केक बनाने की ट्राई कर रहे हैं। तो चीनी मैंने हाफ कटोरी ली है, मतलब अगर आप सूजी दो कटोरी ले रहे हैं तो उसमें चीनी आप हाफ कटोरी डालिए, मतलब अपने शुगर के हिसाब से। ये व्लॉग है, कुकिंग चैनल नहीं है, तो तू आराम से बोल। चलिए अच्छा ठीक है। नहीं तो मैंने चीनी थोड़ी कम डाली बिकॉज हम ट्राई कर रहे थोड़ा सा शुगर फ्री केक का। ये हम लोग दही डाल रहे हैं इसमें? हाँ पक्का दही होता है? हाँ हाँ होता। नहीं मैंने मजाक में बोला था, धमाका कर रहा है, सच्ची में धमाका नहीं करना है। ठीक है, ऐसा बोला था कि दही खट्टा भी नहीं होना चाहिए उसमें, ऐसा बोला था। तो टेस्ट करके डाल। नहीं नहीं तो कली तो लिया है, चलेगा अभी भाई। फिर नेक्स्ट क्या डालना है? एक कटोरी दूध। इसमें दो चम्मच मैदा डालना बिकॉज ऐसा बोला था वीडियो में कि बिकॉज वो बाइंडिंग नहीं होता अदरवाइज, गेहूं का आटा भी चलेगा। वैसे तो हमारा काफी मन था केक बनाने का, काफी टाइम से सोच भी रहे थे। फाइनली कल जाके हम लोग सब इंग्रेडिएंट्स और सब चीजें जो है वो लेके आए, तो सोचा कि क्यों ना केक बना ही रहे हम, ब्लॉग्स बनाते ही है, तो ये भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। और मुझे ये डर लग रहा है कि ये एक्सपीरियंस के बाद अगर केक अच्छा बन गया और रिस्पॉन्स अच्छा आया तो अंजलि खुद का चैनल जरूर स्टार्ट कर देगी कुकिंग का। अंजलि व्हाट डू यू थिंक, कुकिंग चैनल तो स्टार्ट करेगी? वो एंड रिजल्ट देखते हैं बाद में। मेरी शक्ल पे लिखा होगा जो वो देखे। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएगी अब क्या कर रही हो अंजलि? हाँ, जो बैटर हमने रेडी किया उसको हमें 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ना है यहाँ पर, और तब तक हम जिसमें डालने वाले हैं अपने केक को उसको प्री हीट करना है, दैट्स इट। और उसमें कुछ डाला है तूने? हाँ उसमें मैंने नमक डाला है जो मैं मम्मी से लेके आई थी फिर से। हमारा कुछ चीज है या नहीं उसमें? मैं इस मोल्ड में बटर लगा रही हूँ क्योंकि अभी हमारे पास ना बटर पेपर नहीं है एक्चुअली, और बाहर कहीं मिल भी ना आएगी सिर्फ बेकरी पे, तो आप लोग ये मोल्ड पे बटर लगा के ताकि वो चिपके ना। बेटा आपने 10 मिनट के लिए रखा था उसके पास जाने का, और उसमें पहले हम लोगों को अभी इसमें एक कटोरी मैंने उसमें घी डाला है। आप लोग ऑयल बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट प्रेफरेबल ऑयल ही यूज़ करिए बिकॉज जो हम घी और बटर यूज़ करते हैं ऐसा वीडियो में दिखाया था कि चिपक जाता है अगर हम उसको बहुत देर तक। तो हमने ऑयल डाला ना? हाँ हमने ऑयल डाला। अभी और क्या डाल रही है? अभी हम डाल रहे हैं इसमें बेकिंग सोडा फुलाने के लिए और बेकिंग पाउडर एक चम्मच। ओके ठीक है, और वो प्री हीट करने के लिए रख देना 15 मिनट के लिए ताकि उसमें जो सब एवोपरेशन सब हो जाए जो भी प्रोसेस है उसका। अभी तो जो पूड़िया में से डाल रही वो क्या है? ये वेनिला एसेंस है, एक्चुअली उसमें लिखा था कि वेनिला एसेंस डाल सकते हैं, और अगर आपके पास इलायची या टूटी फ्रूटी कुछ भी है तो वो अच्छा रहता है मतलब इसके अंदर। और इसके अंदर मैंने जो ऑयल डाला है ना वो मिक्स करने में टाइम लगता है, तो इंडीड आप उसको अराउंड 2-3 मिनट्स फेंटें।
जो बटर है वो प्रॉपरली लगाना बिकॉज केक अदरवाइज निकलेगा नहीं, और टाइमर 1 घंटे का सेट करना बिकॉज हम लोग उसको वो इसमें बना रहे हैं, क्या नाम है इसका, पतीला, पतीले में बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और हाँ, एक चीज और थी कि जो भी आप ये पूरा बैटर बनने के बाद जितना भी आप इसमें डालेंगे ना, ध्यान रखना कि हाफ खाली रहे बिकॉज ये फूलता है केक। अभी मैंने जस्ट तेरी तारीफ की कि कितने अच्छा बोल रही तू, शायद यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकती है, बट तुझे पतीला नहीं पतंजलि, तो मुझे लगता है थोड़ा यही होता है। मैंने बोला था गाइज आपको धमाका होगा, गाइज जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको धमाका होगा, ये वही धमाका है। मैंने इसी धमाके की बात की थी, आगे काफी सारे ऐसे धमाके आने वाले, तो वीडियो देखते रहिए। तो मैंने केक को ये पतीले के अंदर रख दिया है, और हाँ, अगर आपको बहुत अच्छी केक बनाई है तो 40 मिनट तक इस कुकर को ओपन मत करना, और हाँ, जितनी भी हीट निकली होती है ना, पहले 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रखना, फिर उसके बाद मीडियम पे करके 40 मिनट, मोस्टली 1 घंटे तक टाइमर लगा रहे हैं हम लोग एक्चुअली, बट 40 मिनट तक के लिए आप इसको ओपन मत करना, अदरवाइज केक अच्छा नहीं बनेगा। ऐसा डोंट वरी, हमने कोई प्रॉमिस नहीं किया है केक अच्छा बने। वैसे भी हमें श्योरिटी नहीं है केक अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, अभी तो फिलहाल के लिए वो हम 1 घंटे के बाद बताएंगे। वो तो मैं टिप्स बता रही हूँ आपको कि मैं अभी क्या क्या कर रही हूँ, बस ज्यादा मत बता, कुकिंग चैनल नहीं है हमारा। तो जितना हम लोगों ने सोचा था कि हमारा किचन बर्बाद होगा, फाइनली उतना किचन हमारा बर्बाद नहीं हुआ है। अभी 1 घंटे के लिए केक रखा है, 45 to 50 मिनट्स के बाद हम लोग देखेंगे, अगर बन गया ऐसा लगता है तो देख लेंगे। तो मिलते हैं गाइस आपको 1 आवर के बाद। हेलो गाइज, अभी केक तो बन रहा है पर उसके बीच में हम दोनों को चाय पीनी है, तो दूसरा शेफ आपके सामने हाजिर है। मैं चाय बनाऊंगा आज आपके लिए। चाय करण तू ही बनाता है हमेशा भाई दबे। हाँ, चाय तो मैं ही बनाता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं ही अच्छी चाय बनाता हूँ, अंजलि अच्छी चाय नहीं बनाती है। लायर यहीं का। लायर नहीं, तो मैं क्यों चाय बनाता हूँ बता। क्योंकि मुझे आलस आता चाय बनाने में। आलस नहीं, मैं अच्छी बनाता हूँ इसीलिए। एक मैं चीज आपको अंजलि की दिखाने वाला हूँ, जरा यहाँ कैमरा कर अंजलि, ये चीनी में इतनी लॉन्ग क्यों है? एक्चुअली वो जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं जब किचन के बारे में सब सीख रही थी, तो मुझे नहीं पता था कि चींटियां कहीं भी हाथ मार सकती हैं। तो मैं जब ऑफिस जा रही थी जल्दी जल्दी में, मैंने क्या किया, डब्बे में बहुत सारी लौंग डाल दी, मुट्ठी भर ये लौंग डाल दी। उसके बाद आने के बाद जब कड़ा में चाय बना रहे थे तो हम दोनों लौंग निकाल रहे हैं फिर चीनी में से। कोई लौंग नहीं निकाली, लौंग अभी की वही की वही है, 3 महीने हो गए। जितनी लौंग पहले डाली थी अंजलि ने पूरा मुट्ठी भर के, उतनी लौंग है वही पे। नहीं कह रहा ना जुर्म, हर मुट्ठी में से 4 लौंग निकलती है बाहर। कुछ लौंग नहीं निकली, उतनी लॉन्ग वहीं पे पड़ी है अभी भी। सो चाय बना ली है मैंने, हम दोनों चाय नाश्ता करके केक रेडी होते तब आप लोगों को मिलते हैं। 2000 years later 1 आवर होने में सिर्फ 4 मिनट है, तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या हालचाल है केक का। केक जैसा लग रहा है या नहीं? थोड़ा लग रहा है। I think it looks good. बट फूला नहीं है। लग रहा है केक बन गया है बट आई थिंक फूला नहीं है, तो मैंने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा कुछ कम डाला है। श्योर। तो अभी क्या, इसे ठंडा करने देना? हाँ, आधे घंटे के लिए ठंडा करने रख देते हैं, फिर दोबारा निकालेंगे, मतलब इसको निकालेंगे। सो फाइनली केक रेडी हो गया अंजलि, अब देख रही है निकलेगा या नहीं केक। केक का खून कर रही हूँ मैं। क्या अंजलि निकल पाएगा आज केक? लेट्स सी। हाँ, मैं तो चाकू पूरा। 6.5 hours later क्या अंजलि केक निकल रही है? कुश्ती चल रही केक के साथ। मैंने आपको बोला था धमाके होने वाले, यही हुआ है, केक निकल नहीं रही बाहर, पता नहीं इतनी फूली भी नहीं, देखते हैं केक बनी है या नहीं बनी है। सो दिस इज अवर ब्यूटीफुल हाफ केक जो अभी काट के हमने ऑपरेशन करके निकाला, और ये रहा था। ये एक्चुअली जो केक है वो यहाँ से इतना जल गया है, ऊपर का नीचे काला ऊपर ब्राउन है, और अभी भी हम निकाल रहे हैं इसे। ऐसे आपको बोला था कि केक जल गया इसलिए नहीं निकल रहा था, बहुत ट्राई किया हमने, हाफ एन आवर से हम उसे ठंडा करने के लिए रख रहे थे पर नहीं निकला, बाद में हमें ऑपरेशन करके उसे निकालना पड़ा। सो टेस्ट कैसा है अंजलि केक का? टेस्ट तो अच्छा है। टेस्ट अच्छा? आप तो तू यही बोलेगी तूने हो रहा है। नहीं, टेस्ट तो अच्छा ही है, ट्राई तो क्या, ऑडियंस सुनो ना बोले आके खा के जाओ। देखा, इसीलिए हम लोग अभी कुकिंग चैनल बनाने का नहीं सोच रहे, क्योंकि कलर देख के, जस्ट लुक एट द केक्स कलर, आई मीन केक है कि कोयला है। सो गाइस, ये था आज हमारा केक का वीडियो, अंजलि तो अभी भी केक ही खा रही है। देख ले तुम, व्लॉग एंड कर ले।
तो गाइस ये था हमारा आज का केक का वीडियो। केक तो नीचे से जल गया था पर ऊपर से जो टेस्ट है वो काफी यम है, बहुत ही मस्त केक है। सो अंजलि डन, या कुछ और दिखाना है? नहीं बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया आज के लिए। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब करिए और ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, जो नेक्स्ट व्लॉग आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड वी विल सी यू गाइस इन अवर नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। तो हमारा केक एक्चुअली जल गया है, नीचे से निकालने में बहुत प्रॉब्लम हुई। हमने एक घंटा एटलीस्ट ठंडा करने के लिए रखा था। हमने करण की कजन को भी, करण की बहन को भी फोन किया, इवन वो केक एक्सपर्ट है, उसने भी बोला ठंडा करके निकालने के लिए। हमने आधा घंटा वेट किया, एक घंटा वेट किया, बट कुछ नहीं हुआ। फाइनली हमने चाकू से चार कट मारे और बाहर निकाला तो वो नीचे से प्रॉपरली जल गया था। तो हमने ऊपर ऊपर की लेयर ले ली और केक बहुत अच्छा बना है, बट मेरे हिसाब से या तो गैस ज़्यादा हो गया था या तो हमने शायद बटर पेपर यूज़ नहीं किया था, मे बी उसकी वजह से मे बी जल गया होगा शायद।